क्या आपके भी यो व्हाट्सएप में कोई भी मैसेज आता है और आपके लॉक स्क्रीन पे आपको देखने को नहीं मिलता है? आखिरकार आपके यो व्हाट्सएप में क्या मैसेज आया है वो आपको कंटेंट देखने को नहीं मिलता है और आपके सामने इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है कि आपके यो व्हाट्सएप में 4 न्यू मैसेज आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि हमारे यो व्हाट्सएप के अंदर कोई भी मैसेज आया हुआ है, हमें यहाँ पे कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा है कि आखिरकार उस मैसेज के अंदर क्या आया हुआ है, हेलो आया है या क्या बंदा कह रहा है जो मैसेज सेंड कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार यो व्हाट्सएप के जितने सारे आपके मैसेज हैं वो आपको लॉक स्क्रीन पे कैसे शो होंगे, उनका कंटेंट आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिए, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट और जान लेते हैं कि आखिरकार इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर अपना लॉक ओपन करना है। जैसे आप लॉक ओपन करेंगे आपको अपना यो व्हाट्सएप ओपन करना है और जैसे आप यो व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो आपको उसके चैट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सारे मैसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आपके लॉक स्क्रीन पे कैसे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं अपने इस सेकेंड मोबाइल फोन से हम यहाँ पे एक मैसेज सेंड करते हैं। मैं यहाँ पे इसे लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद मैं इस मोबाइल फोन से एक मैसेज सेंड करता हूँ और सेंड करने के बाद देखते हैं कि हमारे यहाँ पे हमें लॉक स्क्रीन पर देखने को मिलेगा या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पे आपको देखने को कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले आपको करने का है आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर अपना लॉक ओपन करना है। जैसे आप लॉक ओपन करेंगे सबसे पहले आपको चेकआउट करना पड़ेगा अपने यो व्हाट्सएप के अंदर एक सेटिंग। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मिलेगा सेटिंग, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंट, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा प्राइवेसी सेटिंग, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन। जैसे हम अपने इस वाले मोबाइल फोन के अंदर हम आपको दिखाते हैं, जैसे हमारे इस वाले मोबाइल फोन के अंदर हमारा फिंगरप्रिंट है और इसमें नहीं है तो आपको यहाँ पे इस तरह का फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शो कंटेंट एंड नोटिफिकेशन। तो आपको इस सेटिंग को हमेशा आपको इनेबल कर देना है। जैसे आप इस सेटिंग को इनेबल करेंगे तो आपके यहाँ पे यो व्हाट्सएप में कोई भी मैसेज आएगा और वो आपके लॉक स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा। पहला सेटिंग ये हो गया, आपको इसे इनेबल करना अगर आपने फिंगरप्रिंट लॉक लगा के रखा है अपने व्हाट्सएप के अंदर। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे लगा के नहीं रखा है, अगर आपने लगा के रखा है फिर भी इस सेटिंग को आपने इनेबल कर लिया फिर भी आपको देखने को नहीं मिलता है तो आपको यहाँ से बैक आना है। जैसे आप यहां से बैक आएंगे, बैक आने के बाद अब आपको करना क्या है अपने मोबाइल फोन के अंदर अपना सेटिंग ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग ओपन करेंगे यहां पे हमारा सेटिंग आ चुका है और हमारा MI का मोबाइल फोन है तो यहां पे आपको सेटिंग ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहां पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन एक सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेट के नाम से एक सेटिंग मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शो नोटिफिकेशन बट हाइड कंटेंट, यानी कि यहाँ पे आपने सेट करके रखा है कि नोटिफिकेशन शो हो हमारे लॉक स्क्रीन पे बस उसका कंटेंट हमें देखने को ना मिले। तो यहाँ पे आपको शो नोटिफिकेशन और कंटेंट पे आपको सेट कर देना है। जैसे आप सेट कर देंगे आपको मोबाइल फोन का लॉक कर देना है। जैसे आप लॉक करेंगे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे कोई भी मैसेज आएगा और वो हमारे लॉक स्क्रीन पर देखने को मिलेगा या नहीं। तो हम यहाँ से वापस आते हैं, वापस आने के बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज सेंड करता हूँ फिर से। तो यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ हेलो, जैसे मैंने यहाँ पे हेलो सेंड कर दिया। अब यहाँ से मैंने सेंड कर दिया और इसमें देखते हैं कि हमारे लॉक स्क्रीन पे हमें देखने को मिलेगा या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लॉक स्क्रीन पे हमें देखने को मिल चुका है। तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके लॉक स्क्रीन पर यो व्हाट्सएप से कोई भी मैसेज आता है उसका कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आशा करूंगा आज आपको पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।